जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं मुदित कुमार आपका AWL फाइटर्स में वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हमारे देश के लिए एक बहुत ही शोकपूर्ण समाचार है कि आज हमारे देश के एथलीट जिन्होंने देश को इतने रैंक, इतने गोल्ड मेडल जिताए हैं, हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में सबसे आगे लेकर के गए हैं, मिल्खा सिंह आज हमारे बीच में नहीं रहे। हम सभी लोग एक दुआ करेंगे कि सर की आत्मा को शांति मिले और जहाँ भी वो रहें हम उन्हें याद करते रहें। आज वो तो नहीं है, लेकिन आज उनके बीच में उनकी छवि पूरी दुनिया याद रखेगी कि मिल्खा सिंह कौन थे। दोस्तों, उनके जीवन से हमें सीखना चाहिए, हमारे जीवन में हम उनके जैसी क्या क्या चीज़ें अपना सकते हैं कि हम भी उनके बताए हुए कथनों पर चले, बताए हुए आदर्शों पर चले। छोटा सा क्लिप मैं सर का आपको दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए, समझिए सर की सोच कैसी थी। अगर हर व्यक्ति ऐसी सोच के साथ काम करे दुनिया में, दोस्तों बहुत आगे जा सकता है, चाहे फील्ड कोई सा भी हो। चलिए हम क्लिप देखते हैं, ज़्यादा लंबा मैं वीडियो नहीं बनाऊँ। एशियन गेम्स क्या होती है, 100 मीटर क्या होता है, 400 मीटर क्या होता है, मिल्खा सिंह को कुछ मालूम नहीं। इसका क्रेडिट जो है, आज मिल्खा सिंह का नाम अगर दुनिया भर में है या इंडिया का नाम दुनिया भर में है, तो इसका क्रेडिट मैं आर्मी को देता हूँ। बच्चों, 6 घंटे रोज दौड़ता था, ओह माय गॉड, और दौड़ दौड़ के बेहोश होकर गिर जाता था नीचे, ब्लड मून में से जाता था, वॉमिटिंग होती थी, डेथ बेड पे कितनी बार पड़ा रहा, मगर इरादा इतना मजबूत था कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना है, मैंने वर्ल्ड